राजनांदगांव जिले में खराब मौसम के चलते बंद हुई धान खरीदी केंद्रों में खरीदी फिर से शुरू कर दी गई है। जिले के कई खरीदी केंद्र लगभग एक सप्ताह बंद रहे, जिससे किसानों को टोकन कटने के बाद भी अपना धान बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। ढाबा सोसाइटी के समिति प्रबंधक उपेंद्र देशमुख ने बताया कि समिति में 21,000 क्विंटल धान की खरीदी हो चुकी है, वहीं 14,000 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। हाँ, आज से मतलब अभी 3-4 दिन से बरसात हो रही थी तो खरीदी जब बंद थी, आज से पुनः खरीदी चालू हो गया है और परिवहन भी हो रहा है, सब सुचारू रूप से धान खरीदी चल रहा है। वहीं किसानों ने कहा कि मौसम खुलने के एक सप्ताह बाद वे अपने टोकन के हिसाब से धान बेचने आए हैं। 30 दिन मैंने धान बेचने आया था, उस दिन बारिश हो गई, बारिश होने के कारण धान का टोकन एक हफ्ता पीछे मिला मेरे को, और उसके बाद मैं आज 11 तारीख को धान बेचने आया हूँ और मेरा धान करीब 2 ट्रैक्टर था, 300 कट्टा करीब करीब, उसको आज ला के मैं बेच रहा हूँ। आज बाज़ार खुला है, आज मौसम साफ है, इसलिए हम आज धान बेच रहे हैं। और मौसम की वजह से एक सप्ताह पहले ले गया था टोकन, एक सप्ताह बाद आज मौसम खुला लाया हूँ और इसमें अभी थोड़ा समय लगे, शाम तक कैसे होने की संभावना है। इसी तरह प्रदेश के अन्य खरीदी केंद्रों में भी धान खरीदी प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है।